रिकॉर्ड डेस्कटॉप। तो नमस्कार दोस्तों, आदाब, बताइए और कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आप लोगों ने हमारा पहला ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा, भले उसमें कुछ व्यवधान आपको शायद नजर आए होंगे, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये ट्यूटोरियल एक ही दिन में सारे बना दिए गए हैं, किंतु इसमें किसी प्रकार के आप सुधार की कोई खास गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आप पहले हमारा पहला ट्यूटोरियल देखें, क्योंकि पहला ट्यूटोरियल आपको निश्चित ही समझ में आएगा। हाँ, पहले ट्यूटोरियल से संबंधित कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है लिख करके, वो इसलिए क्योंकि उस पर लिखने वाला उदाहरण इसलिए देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपको पता है ये चैनल जो है दृष्टिहीनों के लिए डेडिकेटेड चैनल है, और जो विजुअली इम्पेयर जन्मांत ही है और किसी छात्रावास में रहते हुए दृष्टिहीन विद्यालय में उन्होंने स्टडी की है, तो उनको ब्रेल जब लिखनी आती है और शुद्ध हिंदी ब्रेल आती है, तो शुद्ध हिंदी प्रिंट लिखने में उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। ए एस डी एफ जी तक वो जाता है और उस पर सारे बाएं हाथ की तरफ वोवेल्स यानी स्वर नजर आते हैं और वो अक्षर भी बनते हैं शिफ्ट के साथ। ये आपको कई ट्यूटोरियल में रिपीट करके बताया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप उससे सीख चुके हैं और उसको जान चुके हैं, उसमें कोई आपको कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो हम रेमिंगटन के हिसाब से कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें भी ए एस डी एफ जी तक है, बल्कि ए का ई ह ई तक है इसमें, लेकिन मिश्रित है। एक बाएं हाथ की तरफ ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही स्वर स्वर हैं, इसमें स्वर भी और अक्षर भी, क्योंकि इसमें का जो है वो अक्षर आ रहा है और बाकी क्या कहते हैं साइन है और क्या कहते हैं मात्राएं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये जी हाँ साफा, ये कुत्ती देव वाला लेआउट, गोदरेज मंगल फॉन्ट मतलब गोदरेज वाला स्टाइल है, लेकिन इसमें जो है साइटेड के अनुसार ही चलना पड़ता है, लिखना पड़ता है इसमें, जो उस जमाने की हिंदी का होता था तरीका उसी का अनुसरण करना पड़ता है। तो हम उसके अनुसार कैसे करेंगे हमें जी, ये हमें जानना है। तो जी हाँ, चलिए इसको जानते हैं, सीखते हैं। तो इसमें अभी भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, ऐसे तो आपको कीबोर्ड ओरिएंटेशन पूरी तरह से करा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कोई अक्षर बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ मात्राएं हैं अभी भी जो कीबोर्ड पर आपको बताई ही नहीं गई, और आप कंफ्यूज होंगे कि अरे इसमें तो कोई बहुत सारे बटन खो गए, बहुत सारे बटन तो है ही नहीं, कई इस कुंजे पटन में तो कुछ चीज़ें गायब नहीं है दोस्तों, वो भी बनेंगे, उसके बनाने का तौर तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, इस आगे वाले पार्ट में, लेकिन हाँ, आपको ये तीसरा पार्ट देखने का कोई ऐसा लाभ, व्यक्तिगत लाभ तब तक नहीं हासिल होने वाला है जब तक कि आप हमारा पहले तो हिंदी को जानने के लिए पहले तो आप पहला पार्ट जरूर ना देखें, क्योंकि पहले पार्ट में आसानी, पहले पार्ट में ही कई चीज़ें जानी जा सकती हैं। अब तो पहले पार्ट का ही जो है अनुसरण और पहले पार्ट का ही ज्ञान सभी को दिया जाता है, इसलिए पहले ही देख लें यहाँ दोस्तों, और वो तो आपको अन्यत्र स्थानों से भी देखने को मिल ही जाएगा। रेमिंगटन का सेकंड पहले देखें, सेकंड को समझें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर थर्ड आएँ, और ये थर्ड ही थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, सेकंड्स वगैरह बताई गई हैं, तो थोड़ा सा ये ट्यूटोरियल लंबा हो सकता है, आपका समय हो तभी इस ट्यूटोरियल को वॉच करें। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को तो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से बिना सब्सक्राइब करते हुए अगर आप आगे बढ़ भी गए तो, लेकिन आपसे एक गुजारिश ये रहेगी कि जब आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो कम से कम पूरा देखिए, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल इत्यादि पर फास्ट फॉरवर्ड ना करें, तो देखते समय आप इस ट्यूटोरियल को अगर समय रहते हुए रात्रि में, शाम को, कभी भी, दोपहर में, अपने अनुसार जब इसे आप पूरा सुनेंगे तो आप निश्चित ही बिल्कुल लाभान्वित होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप ज्ञान के पिपाशु हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कई चीज़ें आप चाहते हैं कि मुझे मालूम होनी चाहिए, मैं अपने दृष्टिहीन समाज के टेक्नोलॉजी से और वो बाकी अन्य हमारे साथीगण कैसे क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो जानकारी मुझे हो और मुझे भी वो सारा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको हमारा ये चैनल यानी अवर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है दोस्तों, कर लीजिएगा। और इतना ही नहीं, हमारी और दिलचस्प जानकारियाँ हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होती हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, फिलहाल वक्त न गवाते हुए आगे की चीज़ें देखते हैं। तो पहले कुछ और स्वर और व्यंजन देख लें कि वे कैसे बनेंगे, जैसे बड़ा आ अक्षर कैसे बनेगा, बड़ा अक्षर प्लस नहीं, हाँ ये बड़ा अक्षर कैसे बनेगा, ये बनेगा छोटा आ अक्षर प्लस बड़े आ की मात्रा बराबर बड़ा आ, आम आदमी आना आदि लिखने के लिए, कैसे देख लेते हैं। Microsoft Word document हिंदी में था
इंग्लिश में था कोई आ आ आ ग ए म आ बि आ न न न आ न आ न न आ स्पेस आ न आ आ आ आ म आ ठीक यानी लेटर वी एंड की. अब क्या है ओ की मात्रा, ध्यान दीजिएगा ओ की मात्रा कैसे बनेगी. बड़ा आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा बराबर ओ की मात्रा. को कोमल कोट यानी लेटर के एंड शिफ्ट, लेटर के एंड एस शिफ्ट के साथ नहीं खुले, लेटर के एंड एस देख लेते हैं कैसे है. आ ओ ओ ठीक है ये चीज तो ये आपको समझ में आया कि ये कैसे. अब क्या है दोस्तों ओ अक्षर, अभी तक वो मात्रा चलेगी, अब वो अक्षर कैसे बना. छोटा आ अक्षर प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा एक पांच वाला बराबर वो अक्षर ओखली यानी लेटर प्लस के प्लस एस को दबाएं जैसे कैसे आ ओ ओ ठीक है. अब देखिए आ ओ ये हुआ. अब औ दो चार से वाला की मात्रा कैसे बनेगी. बड़ा आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा बराबर औ की मात्रा यानी लेटर के प्लस शिफ्ट प्लस एस ठीक है कैसे. आ ओ ओ ये हो गया ठीक है. तो जी हाँ दोस्तों मैं हम आपको आराम आराम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से. अब औ अक्षर मात्रा तो हो गई, अब औ अक्षर कैसे बनेगा. छोटा आ अक्षर जमा बड़ा आ अक्षर बड़ा आ की मात्रा क्षमा चाहूंगा छोटा आ अक्षर प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस आई तीन चार की मात्रा जमा औ अक्षर औषधि और औरत यानी लेटर वी के शिफ्ट एस
Sure. Or space. R. Or space. Or R. Or. Or R. G. Or G. Or. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। या दोस्तों बस पीछे साउंड आप लोग को मिल रहा होगा तो समझ आएंगे। अब जो है बड़ा उ अक्षर, बड़ा उ अक्षर कैसे बनेगा? छोटा उ अक्षर प्लस कल बदल छोटे उ की मात्रा बराबर बड़ा उ अक्षर। ऊंट ऊपर ऊन यानी लेटर एम शिफ्ट क्यू समझ में आ गया। ठीक है, अब आए अक्षर ऐनक वाला कैसे बनेगा दोस्तों? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि आए अक्षर कैसे बनेगा। यहां दोस्तों इंतजार करते रहिए ट्यूटोरियल। ए अक्षर प्लस ए की मात्रा बराबर आई अक्षर ऐना ऐसा यानी लेटर, उससे पहले साइन है, लेटर नहीं है, कॉमा प्लस ये हुआ। ध्यान रहे इस कीबोर्ड में छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले आएगी, जैसा कि लिखने के लिए का से पहले, ठीक उसी प्रकार किस किन दिन किताब आदि। ठीक है, ये सारा आपको लिख के दिखा दिया हमने। ये नियम केवल छोटी ई की मात्रा के लिए है। अब बड़ी ई अक्षर कैसे बनाते हैं? छोटी ई अक्षर प्लस
कल बदल र गई हुई आई लिखने के लिए, यानी लेटर बी 1-2 वाला ब्रावो शिफ्ट जेड बराबर बड़ी अक्षर ये देखा आधे अक्षर के बाद आने वाले र को कैसे लिखें, जैसे प्रकाश प्रेम प्रकार प्रकृति आदि। सबसे पहले अक्षर दबाएं, फिर उसके बाद Z प्रेस कर, वह स्वयं ही आधा हो जाएगा। जैसे प्रेम लिखना है आपको, तो मान लीजिए सलाम को ए म प्रेम, इसमें बीच में आने वाले आधे र की कहानी भी कुछ अलग है। जरा देखो उदाहरण के लिए कार्य चर्चा धर्म आदि। मान लीजिए हमें निष्कर्ष लिखना है, तो हम लिखेंगे ना छोटी ई मात्रा आधा षटकोण वाला श, क षटकोण वाला श, र। Select top line feed. Okay. Ne. Nicht das Schotterland. Select top line feed. Okay. Ne. हो गया। जैसे लिखना है निर्णय, तो लिखेंगे ई न न आधा र य। इसके लिए प्रयोग होगा, तो एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, Some bugs on this keyboard. इस कुंजी पटल की कुछ कमियां। नंबर एक, आप ऊपर पूरा कीबोर्ड देख चुके हैं,
और आपको मालूम है, मालूम ही होगा कि इस कीबोर्ड में कुछ अक्षर पहले से ही आधे हैं और उन्हें पूरा बनाने के लिए हमें शिफ्ट ए दबाना होता है, तभी वह अक्षर पूरा होता है। किंतु कोई ऐसा शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा आती हो तो क्या होगा, जैसे विधि, इसमें वा पर और धा पर छोटी ई लगी हुई है। जब आप इसे धा से पहले लिखेंगे और उसके बाद आधा धा को डंडा लगाकर पूरा करेंगे तब वह विधि सही नहीं लिखेगा, वह उसे विधिया बना देगा, यानी बड़ा आ की मात्रा लगा देगा। इसमें यह एक परेशानी है। नंबर टू, इसमें कुछ सिंगल नहीं है, क्षमा चाहेंगे, सिंगल नहीं, इसमें कुछ साइन नहीं है, जैसे प्रश्नवाचक, विसर्ग या अंगा आदि। तीन, इसमें कोई भी अक्षर एक बार में डिलीट और बैक स्पेस से नहीं मिटता है, उसे दो दफा दबाने पर मिटाया जा सकता है। इसमें कुछ अक्षर ना तो पहले से आधे हैं और ना ही कल बदल से होते हैं। द, ट, थ, ड, फ, इन सभी को आधे करने के लिए अक्षर के बाद शिफ्ट इक्वल दबाएं, जैसे मिट्टी, छुट्टी, राष्ट्र, केंद्र आदि। Select top line feed. It me. Duh. Talent. Duh. E. Mitty. Chuh. Puh. Ah. Ah. Chuh. Chuh. Space. Take this one. Pura mitana parta hai, dosto. Chuh. Puh. Duh. Talent. ठीक है, ये समझ गए आप कि कैसे लिखना है। How to enable and configure this keyboard? या दोस्तों, इस कीबोर्ड को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे और ये कीबोर्ड कौन सा है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे हम अपने इस ट्यूटोरियल के चौथे पार्ट में। या दोस्तों, आप चौथा पार्ट आप इंतजार कीजिए।
चौथे पार्ट में आप इस चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि ये अधिक लंबा ना हो जाए और बहुत विलंब ना हो आप लोग को देखने के लिए, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पर विराम देते हैं। निश्चित ही आप लोग के फीडबैक आएंगे और आप समझ पाएंगे और क्षमा चाहेंगे अगर स्पीच में कुछ गलतियां महसूस हुई हो, बोलने में स्पीच की कोई त्रुटि हुई हो तो उसे दोबारा करेक्ट भी किया गया है दोस्तों। इसलिए ट्यूटोरियल को कम से कम एक से दो बार अवश्य सुने। अगर आप तन्मयता से हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान दें। बक्स भी हैं, इस कीबोर्ड के जो बक्स थे वो आपको बता दिए गए हैं। और यहाँ दोस्तों मिलते हैं हम इसके चौथे भाग, तो चौथा भाग भी इंजॉय कीजिएगा और मजे लीजिएगा।